गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है छोटी दिवाली एंड आप लोगों को विश यू वेरी 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 छोटी हैप्पी छोटी दिवाली। तो कल धनतेरस था, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज छोटी दिवाली पे मैं क्या क्या बना रही हूँ। उसकी जो वीडियो क्लिप है वो अलग अलग आएगी, मैं दिखाती हूँ चल के आपको किचन में। तो चलो तो ये है मेरी प्रिपरेशन जो मैंने करके रख रखी है, दिखाती हूँ। तो ये तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ अभी, और जस्ट इन सब की जो रेसिपी है इसकी, मेरे रसगुल्ले शायद में भी आपको दिख रहा होगा। तो ये जो मेरे रसगुल्ले की जो रेसिपी है वो तो आएगी, मेरे एक सेपरेट वीडियो आएगी। और ये देख रहे हैं, ये देख सकते हो, ये मैंने टिक्की की प्रिपरेशन करके रख रखी है। तो यहाँ मेरी पापड़ी है, यहाँ मैंने चाट मसाला ले लिया है, ये आलू भुजिया, दही, धनिया, प्याज और हरी मिर्च है। और यहाँ पे मैंने, ये देख ही सकते हो, आलू जो है वो मैंने मैश करके इनमें अरारोट डाल के मिला के मिक्स करके रख दिया है। और इसमें उबल रही है मटर। तो इन सब की रेसिपी है जो बाद में आएगी। और आज का जो ब्लॉग है वो तो मैं आज ही, मैं सोच रही हूँ कि फटाफट पोस्ट कर दूँगी, छोटा सा सिंपल सा है सिर्फ, कि कैसा कैसा टेस्ट हुआ इन सब चीज़ों का। तो और इसमें मेरी मटर उबल रही है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इधर मैंने उड़द की दाल और चने की दाल को भिगो के रखा है। तो मुझे इनका बनाना है मिक्स करके। तो मुझे उसको मिक्स करके, सॉरी मिक्सी में, अभी ग्राइंडर में मुझे पीस, अभी ग्राइंडर में मुझे उसे पीसना है अभी जस्ट जाके दाल को, बिकॉज सुबह के लिए मैं सोच रही हूँ अभी से उसको फ्राई करके रख दूँगी। बट आज लेट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। और अभी मेरा इस चाट की वजह से ना, चाट प्रिपरेशन की वजह से और रसगुल्लों की वजह से मेरा खाना नहीं बन पाया अभी। और समझ नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनेगा, बिकॉज चटनी नहीं आई है अभी। चटनी मैं बाहर से मार्केट से मंगा रही हूँ, तो मार्केट से चटनी आ जाए तो मैं बनाना स्टार्ट करूँ। टाइमिंग की बात करूँ तो 7 बज रहा है, और मैंने इस इन सभी चीज़ों में मैं बहुत देर से लगी थी, बहुत ही देर से। तो ये जो है, मतलब वो तो सेपरेट वीडियो आएगी। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये पहले ही पोस्ट हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। और छोटी दिवाली के लिए दिया भी हमारा नीचे जल चुका है। तो देखो, मम्मी ने दिया नीचे जाके जला दिया, एक छोटा दिया जलता है तो वो नीचे जल के जल चुका है। आटे का दिया बना के जलाया जाता है तो वो नीचे जला दिया गया। देखती हूँ, बच्चों से कहती हूँ वीडियो बना देंगे, तो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोगों ने लाइटों की वीडियो तो देख ही ली हो, क्योंकि गली में हमारी कैसी सजावट हो रखी है। क्योंकि मैंने जस्ट अभी जाके मैं बना के आई हूँ सिर्फ, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाती हूँ। बट हमारी ना जो गली है वो बहुत छोटी सी है, नहीं तो हमारा जो घर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटों से बहुत ही ज़्यादा रौनक है। अगर बाहर से बने तो बहुत अच्छी वीडियो आएगी। चटनी भी आ चुकी है रेड एंड ग्रीन, तो मैं अभी निकालने जा रही हूँ इन्हें दो कटोरियों में। तो चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। खिला दिए तो अब आ गई है मेरी बारी। तो बस मैं भी अपनी प्लेट रेडी करके लेके आ गई हूँ। एक मैं पापड़ी बना के लेके आई हूँ अपने लिए, पापड़ी बनाते हैं ना रेड चटनी वगैरह डाल के।
अपने मुंह से आपने तारीफ, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। अमेजिंग यार, घर के टिके का स्वाद ही कुछ अलग है, बहुत टेस्टी है। मेरा काम मेरा हो चुका है तो अभी मतलब इन लोगों के लिए रह गया खाना पीना बनाना। तो जस्ट अब मैं जा रही हूँ अपनी दाल को, मैं सोचूँ पीस के रख देती हूँ मैं इसे, तो चलो चलते हैं पीस लेते हैं अपनी दाल को यार। दाल मेरी पीस गई है, मैं आ चुकी हूँ रूम में, और वहाँ रखे हैं मेरे कपड़े, जाना है उन्हें अलमारी में सेट करने के लिए। बस यही है काम, यही है दिवाली का काम। तो आज छोटी दिवाली है, और छोटी दिवाली में भी यार काम तो ज़िंदगी भर का ही है ना, चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो। तो बस अब चलना है, इन कपड़ों को सेट करके अलमारी में लगा देना है, उसी के साथ ब्लॉग का एंड भी करना है मुझे। तो फटाफट पहले मैं इन्हें लगा देती हूँ, फिर मैं करूँगी ब्लॉग का एंड। साढ़े आठ हो रहा है, तो काम अभी रह रहा है, काम अभी है पापा का और इनका, मतलब कि दोनों जनों के लिए भी खाना बनाना है। और जो मैंने टिक्की वगैरह भी बना के नहीं रखी है, तो ये लोग आएंगे तब मैं इन लोगों के लिए बनाऊंगी। तो मैं कर लेती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली, कल बड़ी दिवाली है, आज छोटी दिवाली है। तो छोटी दिवाली का ब्लॉग मेरा कुछ इस तरीके का था, मतलब शाम का रूटीन था ये, मॉर्निंग में तो बहुत सारा काम था, इस वजह से ब्लॉग ही नहीं शूट करा मैंने, क्योंकि शिवान बहुत परेशान करते हैं, तो उनको देखने सबका काम है, तो शिवानस बहुत परेशान करते, तो ब्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ बिल्कुल भी। तो आज सब बच्चे वगैरह सब लगे थे काम करने में, मतलब सफाई हो रही थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया सुबह का, इसलिए इस वजह से इवनिंग का ब्लॉग बनाया है मैंने। सो गाइस चलो कर लेते हैं अपने ब्लॉग का एंड, बाय बाय। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, एंड फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय।